अतिथि देवो भव। इस बात को भारत देश ने जिस तरीके से प्रमाण किया है उसका तो क्या ही कहना, और वही देश विदेशों के तमाम लोगों ने भी भारत की इस भावना को स्वीकार किया है। लेकिन कल रात मुंबई के एक खुलेआम सड़क पे जो हुआ वो शायद भारत को उन सब देशों के सामने और उन सब देशों के लोगों के सामने शर्मिंदा कर दे। असल में एक लेडी कोरियन यूट्यूबर मुंबई के एक सड़क पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी कि तभी दो लड़के आते हैं और उन्हें जबरदस्ती बाइक में बैठने की कोशिश करते हैं, और जब इस लेडी यूट्यूबर ने बाइक पे बैठने से इनकार कर दिया तो उन दोनों लड़कों में से एक लड़का उस लेडी को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस इंसिडेंट के 24 आवर बाद ही पुलिस ने उन दो लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। पता चलता है कि उन दो लड़कों का नाम मोहम्मद और मोमिन है। इस इंसिडेंट के बाद न्यूज चैनल वालों ने जब उस कोरियन यूट्यूबर से इंटरव्यू ली तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया से बहुत खुश है, यहाँ के लोग बहुत ही सपोर्टिव है और मैं पहले भी कई बार इस इंडिया में आ चुकी हूँ, और बाकी रहा कल रात का इंसिडेंट तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ की पुलिस ने तुरंत ही उन दो शैतानों को अरेस्ट कर लिया है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर भारत देश में विदेशी पर्यटक ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे देश की महिलाओं का वर्तमान में क्या स्थिति है? कमेंट में अपना राय देना ना भूले, और ऐसे ही तुरंत अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्टर अपडेट को।